हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा और यूनिक सा निटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ शर्ट में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए होंगे वो 15 के मल्टीपल से होंगे, यानी कि 15 फंदे, 15 फंदे, 15 फंदे, और लास्ट में एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए रखेंगे और दो फंदे एस स्टिच के रखेंगे। टोटल 3 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये 8 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 18 फंदे लिए हैं, 15 फंदे पैटर्न के हिसाब से लिए हैं, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, तो 16 फंदे हो गए, दो फंदे एस स्टिच के, तो टोटल 18 फंदे हो गए। और नीचे से बेस देने के लिए दो रॉ उल्टे फंदों के साथ निकाल ली हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहली रॉ सीधी साइड एस स्टिच स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाई डालेंगे। अब दो फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, हम 8 फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से आगे वाले 4 फंदे बैक लूप से पीछे लेकर जाएंगे और पीछे वाले 4 फंदे फ्रंट लूप से आगे लेकर आएंगे। और चारों फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8। ये देखिए 8 फंदे सीधे बुने, फिर एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे। ये देखिए ऐसे छोड़कर यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना, फिर जाई डाली, दो फंदों का एक फंदा बनाया बैक लूप से, एक फंदा सीधा, 8 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए और सीधे बुने, फिर एक फंदा सीधा बनाया और दो फंदे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली। ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15, इसी तरह से इस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचेंगे। तो एक फंदा सीधा बुनेंगे, स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। पहली रॉ कंप्लीट हो गई है। अब देखिए दूसरी रॉ है और रॉन्ग साइड है। इस रॉ में सभी फंदे उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। दूसरी रॉ और सभी रॉन्ग साइड रॉस हम हर बार उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे। स्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे। अब देखिए ये हमारी तीसरी रॉ है और सीधी साइड है। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। दो फंदे सीधे, एक दो, जाई डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 8 फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा।
ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने, जाई डाली, दो फंदों का एक फंदा बनाया, आठ फंदे सीधे, दो चार छः आठ, दो फंदों का एक फंदा, जाई डाली, एक फंदा सीधा बुना। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा सीधा, स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। तो तीसरी रो कंप्लीट हो गई है, चौथी रो है रॉन्ग साइड, फिर से सभी फंदे उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। स्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे। अब देखिए ये हमारी पांचवी रो है और सीधी साइड है। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाई डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने तीन फंदे सीधे बुने, जाई डाली, दो फंदों का एक फंदा बनाया, छः फंदे सीधे, दो चार छः, दो फंदों का एक फंदा, जाई डाली, दो फंदे सीधे। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे और लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा सीधा, ऐसे सीधा बना लेंगे। पांचवीं रो कंप्लीट हो गई है, छठी रो है रॉन्ग साइड, सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब देखिए सातवीं रो है और सीधी साइड है। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, जाई डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने चार फंदे सीधे बुने, जाई डाली, दो फंदों का एक फंदा बनाया, चार फंदे सीधे, दो फंदों का एक फंदा, जाई डाली, तीन फंदे सीधे। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा सीधा, ऐसे सीधा बना लेंगे। सातवीं रो कंप्लीट हो गई है, आठवीं रो है रॉन्ग साइड, सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए आठवीं रो कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार देखिए फर्स्ट रो राइट साइड, एस्ट स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाई डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, आठ फंदे इस तरफ को लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट, फ्रंट लूप से पीछे वाले चार फंदे आगे लेकर जाएंगे और बैक लूप से आगे वाले चार फंदे पीछे लेकर जाएंगे और आठों फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे और लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा सीधा एस स्टिच सीधा बना लेंगे। तो देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार इसकी 1, 2, 8 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए पैटर्न्स के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।